कि ये जो सेटअप है उसमें मुझे अभी दो प्रॉब्लम लग रहा है कि शायद अभी थोड़े से फील हो रहे हैं, मे बी फ्यूचर में भी आ सके। तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द फर्स्ट ऑफिशियल मोटो व्लॉग ऑफ आवर चैनल। मैं फर्स्ट ऑफिशियल इसीलिए बोल रहा हूँ, ऑलरेडी हमने दो मोटो व्लॉग कर लिए है, बट ऑफिशियल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार मैंने फाइनली जो सेटअप है वो कंप्लीट कर लिया है। GoPro का जो माइक अडेप्टर है वो भी कनेक्ट है और जो माइक है एक्सटर्नल वो भी कनेक्ट है अभी GoPro के साथ। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो एक्सटर्नल माइक से आ रही है, सो आई होप कि अभी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी। तो अभी हम हाईवे पे आ गए चेक करने के लिए कि कितना अच्छा सेटअप है ये, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक्सटर्नल जो विंड नॉइज़ है वो आ रही है या नहीं, अगर आ रही है तो कितने हद तक वो रिड्यूस करे, वी आर चेकिंग दैट। सो अभी इसीलिए SG हाईवे पर, ये जो है SG हाईवे है, इसीलिए अभी हम लोग हाईवे पे जा रहे हैं शंभू, तो अच्छे से चेक हो जाएगा विंड में कैसा प्रोटेक्शन देता है। सो अगर ये सब सही रहता है, सेटअप आवाज़ सही आती है, तो सबसे पहला मेरा प्लान है कि अहमदाबाद में जाके मोटो व्लॉगिंग करूँ। अंदर के जो एरियाज़ हैं अहमदाबाद में, ओल्ड अहमदाबाद में, वो मुझे शूट करने हैं मोटो व्लॉगिंग के थ्रू। तो मैं वही प्लान करने वाला हूँ कि अगर ये सेटअप सही रह गया, सबसे पहले हम लोग ओल्ड अहमदाबाद की ट्रिप लगाएंगे। एज यू कैन सी अभी तो मेरे पास एक्टिवा है, तो उस पर ज़्यादा मोटो व्लॉगिंग दूर तक नहीं कर सकते, बट वी विल ट्राई कि नज़दीक में 50-60 या 70 किलोमीटर्स तक के आसपास की कोई प्लेस हो तो वहाँ पे हम लोग मोटो व्लॉगिंग करते हुए जाए विथ माय एक्टिवा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यह सेटअप एकदम सही रहे। और वेदर की बात करूँ तो अभी बहुत ही प्लेजेंट है, मतलब अभी बज रहे हैं 5:40 और इस हिसाब से काफ़ी अच्छा वेदर है। अच्छा, तो हमारा प्लान था 6 बजे के बाद 6:30 के आसपास निकलने का, बट उसमें दो प्रॉब्लम, एक तो ठंड बहुत बढ़ जाती है तो राइडिंग गियर या राइडिंग जैकेट्स नहीं है हमारे पास, तो उसमें नहीं निकल सकते। दूसरी चीज़ का अंधेरा बहुत हो जाता है तो पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है हाईवे पे। सो इट्स बेटर कि हमने सोचा कि 5:30 को निकलते हैं, फिर भी अभी थोड़ा लेट हो गया, 5:45 हो गया। और आई नो मैं थोड़ा स्पीड में, थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड में बोल रहा हूँ, बट अब अंदर से एक्साइटमेंट हो रही है मोटो व्लॉगिंग करने की, क्योंकि मुझे पता है माइक है अभी तो आवाज़ इतनी ख़राब नहीं आ रही होगी, अच्छी आ रही होगी, विंड से थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन आराम से मिल रही होगी। एंड आई एम रियली एक्साइटेड, अगर ये सक्सेस हो गया देन यस वी कैन फाइनली डू मोटो व्लॉगिंग ऑन अवर चैनल एंड यू विल सी लॉट ऑफ वीडियोज। अंजलि, तुझे आवाज़ आ रही है? हाँ तो थोड़ा बोल, आवाज़ आएगी। कैसा तूने बोला तो सुन नहीं पाएगा, तो मैं चिल्ला के क्या करूँ? नहीं नहीं थोड़ा अभी तो ट्रैफिक नहीं है तो सुन पाएंगे लोग। कैसा लग रहा है अभी बाइक पे? मैं स्कूटी पे बैठती रहती हूँ। बैठ हाँ वो तो मेरे लिए नया होगा, मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बात करने वाला नहीं है तो बात कर रहे हैं, तो अभी ऐसे देख रही हूँ। नहीं सही है, सही है। नहीं हम लोग अगर ये सेटअप हो गया ना सही से, तो हम लोग फिर ना वो दो हेलमेट लेके ब्लूटूथ वाला सेटअप कर लेंगे, तो हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। हाँ बच्ची अंजलि सारी गुजराती पर बोल से, शी इज़ प्रैक्टिसिंग गुजराती, वो पंजाबी है तो गुजराती बोलने की भी प्रैक्टिस कभी कभी करती रहती है, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी एक पीक टाइमिंग है जॉब वालों का निकलने का, इसीलिए ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा ही है। रक्षा शक्ति सर्कल है यहाँ पे, ऑलमोस्ट ट्रैफिक रहता है। उस तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे गिफ्ट सिटी है, सीधा रास्ता जो हमने यहाँ से राइट लिया, उसके बदले अगर आप सीधा जाएंगे तो गिफ्ट सिटी है, इसकी वीडियोज़ हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर बना दी और वहीं पर मेरी भी ऑफिस है, मैं वहाँ जॉब करता हूँ, पर अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और अभी ये रास्ते पे ना हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं कि क्या कितनी वॉइस है इसकी रहेगी, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं 70 की स्पीड से, विंड ब्लास्ट बहुत है, तो अभी तो मुझे पता नहीं चलेगा, बट आई गेस आप सब लोगों को पता चल रहा कि कितनी विंड आ रही है, मेरी वॉइस है वो प्रॉपर सुनाई दे रही है या नहीं। और ये जो सेटअप है ना, वो सेटअप में अभी मुझे दो प्रॉब्लम्स जो लग रहे हैं अभी मेन, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे रुक के आपको बताता हूँ कि सेटअप कैसा दिखता है हेलमेट पे, और दो जो प्रॉब्लम है वो कौन से प्रॉब्लम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मुझे फील हो रहा है, थोड़ा आगे रुक के मैं आपको आराम से बताता हूँ। तो
और गुजरात में भी यहाँ पे मोटो व्लॉगिंग और जो बाइक राइडिंग का कल्चर है वो काफ़ी अच्छा अच्छे से ग्रो कर रहा है। हम लोग जब लास्ट टाइम ईडर गए थे वहाँ पे भी काफ़ी सारे बाइकर्स आए थे। उससे पहले हम लोग जब पोलो फॉरेस्ट गए थे, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, पोलो फॉरेस्ट वाले में काफ़ी सारे बाइकर्स थे वहाँ पे। और रॉयल एनफील्ड्स के जो ग्रुप थे वो थे, KTM RC 200 लेके आए थे, 390 थी। तो काफ़ी बाइकिंग का कल्चर है वो अहमदाबाद में भी बढ़ रहा है। वेल, मेरे पास तो है नहीं अभी एक्टिव है तो मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बट है। और मुझे भी इतना बाइक का शौक़ नहीं था, मैं जनरली कार से ट्रैवल करता हूँ, बट मुझे भी ऐसा लगा कि अच्छा रहेगा अगर हम बाइक पे जा रहे हैं तो। तो ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा सेटअप मोटो व्लॉगिंग का। यहाँ पे ये जो माइक मैंने एक्सटर्नल यूज़ किया है, नीचे है ये हमारा यलांट्रे का जो है व्लॉगिंग का सेटअप है पूरा। यहाँ नीचे गोप्रो का जो एक्सटर्नल बैटरी है वो आती है, और ऐसा कुछ लग रहा है सेटअप हमारा। अब जो मैं दो चीज़ों की बात कर रहा था, वो दो चीज़ों में प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो प्रॉब्लम वो ये सेटअप है वो बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर अगर लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं कम से कम 4 या 5 घंटे के लिए तो ये सेटअप बहुत ही हैवी है। उसके लिए कुछ हल्का सा लाइट सेटअप, या फिर मुझे लगता है मेरा हेलमेट थोड़ा ज़्यादा हैवी है तो मुझे कोई लाइट हेलमेट लेना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम है जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है कि नीचे जो आप देखेंगे हेलमेट के यहाँ पे, तो नीचे यहाँ पे गैप है, उसकी वजह से विंड है वो अंदर आती है। तो आई होप कि वीडियो में इतनी डिस्टर्बेंस ना आती हो, बट मुझे भी वो पोस्ट में देखना पड़ेगा कि कितनी डिस्टर्बेंस आती है, क्योंकि यहाँ पे नीचे हेलमेट है वो मेरा ऑलमोस्ट चीन बाहर है, तो नीचे हेलमेट में बहुत ज़्यादा गैप है, तो मुझे वो देखना है घर पे जाके कि इसकी वजह से कितना प्रॉब्लम आता है। कोई अच्छी सी डेस्टिनेशन को प्लान करेंगे जाने के लिए, क्योंकि वही फन रहेगा, इतनी छोटी सी राइड में तो मज़ा नहीं आएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं शंबूस। एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है आज तो यहाँ पे। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हम लोग शंबूस पहुंच गए, बस यहाँ से हम लोग चाय या कॉफ़ी पी के थोड़ा सा नाश्ता करके निकल जाएंगे। ये थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिप थी क्योंकि मुझे सिर्फ चेक करना था कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, और हाईवे पे लेके जाते हैं तो इसका जो विंड ब्लास्ट है वो कितना अच्छे से हैंडल कर पाता है। तो बस सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव हो उसकी सबसे पहले अपडेट मिले। And I'll see you guys in our next video. Have a great day.